यस सर। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास एट जो आपका एक्सरसाइज डिस्कस किया जा रहा था, इससे पहले की क्लास में हमने 3.3 चैप्टर नंबर 3 जो आपका है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपका जो एक्सरसाइज 3.3 है इसके पॉइंट नंबर K1, K2 एंड K3, ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर किए थे। और ये बेस्ड किस पे थे? बेस्ड थे स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें हमने रेक्टेंगल्स, रोम्बस हाँ एंड स्क्वायर इसको अंडरस्टूड किया था, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इनके प्रॉपर्टीज को क्लियर किया था। ओके, तो चलिए इसी से रिलेटेड पॉइंट की बात कर लेते हैं। K3 भी क्लियर किया गया था इससे प्रीवियस क्लास में। अब बात कर लेते हैं S1। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। यहाँ पे हम इनके प्रॉपर्टीज को अगर फॉलो करते हैं तो यस और नो राइट करना है। जैसे जो यहाँ पे स्पेशल टाइप के जो पैरेललोग्राम गिवन है, अगर प्रॉपर्टी गिवन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं तो उन कैटेगरीज में, उन कॉलम में यस राइट करेंगे और नो। ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो यस, पैरेललोग्राम का यस होता है। रेक्टेंगल में भी जानते हो आप लोग यस, स्क्वायर में भी यस एंड रोम्बस यस, यस ऑल आर पैरेललोग्राम, जितने भी हैं सभी पैरेललोग्राम होते हैं। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल। ओके, अपोजिट यस साइड्स सर आर इक्वल, यस अभी मैंने बताया जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं यस। रेक्टेंगल आल्सो अ पैरेललोग्राम यस यस यस। ओके, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल नो। भाई आप जानते हो किसी पैरेललोग्राम में जो उसके एडजेसेंट साइड होते हैं वो इक्वल नहीं होते। यस रेक्टेंगल में भी नो होता है, स्क्वायर में भी नो, रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, बिकॉज रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस के क्या? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, सो वी कैन से यस एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ओके, नाउ बात कर लें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कुछ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल पैरेललोग्राम्स, यस पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और बात कर लेते हैं अगर स्क्वायर की, तो इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री, प्रत्येक एंगल 90 का होता है। और हम सॉरी रेक्टेंगल के, हाँ ये भी तो 90 का होता है। स्क्वायर की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी ईच ऑफ 90 डिग्री अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और रोम्बस में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बिकॉज रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। प्रोग्राम तो इसके अपोज सारे जितने भी टाइप्स के स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं सारे के अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी आपने क्लियर किया था। बात कर लें ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, ओह नो सारे में नहीं होता। जैसे पैरेललोग्राम की बात कर लें, नो सर इसमें ऐसा ईच एंगल 90 का नहीं होता। हाँ सर रेक्टेंगल की बात कर लें और स्क्वायर की बात कर लें तो इन दोनों में होता है, बट रोम्बस में भी नो। ओके, तो ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज डायगोनल्स आर इक्वल नो, किसमें? पैरेललोग्राम में, बट इन रेक्टेंगल्स यस, इन रेक्टेंगल्स यस यस एंड इन स्क्वायर यस, इन रोम्बस नो, रोम्बस यस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते इन लेंथ। ओके हाँ, सर बाइसेक्ट करते हैं, हाँ ये चीज है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर यस 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 यस, सारे के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं टू ईच अदर। तो ओके, यस डायगोनल सर बाइसेक्ट यस सर यस 90 डिग्री, यहाँ पे नो, पैरेललोग्राम में 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते इनके। रेक्टेंगल्स में नो, आपको ध्यान होगा तो मैंने नो सर बताया था रेक्टेंगल्स में ओनली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते। बात कर लें स्क्वायर के, हाँ सर इसमें एस होता है, यस सर स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं आर परपेंडिकुलर ईच अदर ऑफ ईच अदर। ओके, सेम एज रोम्बस में होता है, रोम्बस में भी एस, हाँ इसके भी डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं। ओके, तो ये बातें भी यस क्लियर हो सर गई, यस आई सर होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अब। यस सर ओके, सर की बात करते हैं हम, इन्होंने कहा S2 में कह रहा राइट ऑल द पॉसिबल नेम्स फॉर ईच ऑफ द गिवन फिगर्स, इसके पॉसिबल नेम्स की बात कर रहे हैं। लेट्स से फर्स्ट जो फिगर गिवन है, हम जनरली इसको हम अगर आइडेंटिफाई करते तो इट्स एन इट्स अ स्क्वायर, ये क्या है?
स्क्वायर है, बट स्क्वायर से पहले भी कुछ है, ये स्क्वायर से पहले है पैरेललोग्राम। सर ये एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम से ही फॉर्म हुआ है पैरेललोग्राम। भाई किसी का पैर वैर नहीं लेना है, ये पैरेललोग्राम। ओके नेक्स्ट, रेक्टेंगल भी है ये, क्या है पैरेललोग्राम तो है ही है सर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा एग्जैक्टली सेम एज रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ये। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, यानी जिसका ईच एंगल 90 का होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है सर, ये पैरेललोग्राम है हमने पहले ही बता दिया, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं। अब बात कर लें सर, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री है, तो सर ये तो रेक्टेंगल भी है। क्या है, रेक्टेंगल भी है, बात समझ में आ गई, इट मींस इट्स आल्सो अ रेक्टेंगल। ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सर, रेक्टेंगल के अलावा तो ये जो हमें साधारण सी बात जो डायरेक्टली दिख ही रहा था, स्क्वायर तो ही है, बिकॉज ये स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसके ऑल एंगल्स ईच ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री है और ऑल साइड्स आर इक्वल, सो वी कैन से इट्स अ स्क्वायर। ओके अगर आपसे कोई पूछता है स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल, यस स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल, यस स्क्वायर कैन बी अ पैरेललोग्राम, यस, बट होल्ड करेगी विद स्क्वायर, सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर से ही होल्ड करेगी। ऐसा नहीं कह सकते सर आप पैरेललोग्राम इज कैन बी आप स्क्वायर, यानी एक पैरेललोग्राम एक स्क्वायर कैन भी हो सकता है, बट बी ऑलवेज नॉट, हो सकता है एक पैरेललोग्राम स्क्वायर हो लेकिन कोई जरूरी नहीं हमेशा स्क्वायर ही हो, है ना, बात समझ आ रही है। यस सर, तो ये चीजें होगी, इनके पॉसिबल नेम्स की बात कर रहे थे, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, इसको भी क्लियर कर दूंगा, बाकी जो रिमेनिंग टू पॉइंट्स होंगे उनको आप लोग क्लियर करेंगे। इसमें पॉइंट नंबर बी दिया गया है, इसमें देखिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल यहां पे सीन हो रहे हैं, सो वी कैन से इट्स अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम, बस खत्म, क्वाड्रिलेटरल तो होता ही है सर पैरेललोग्राम। ओके और कुछ है आप लोगों को, और कुछ समझ आ रहा है, कुछ और भी समझ आ रहा है? यस सर, रोम्बस, रोम्बस, यस, नो, व्हाई रोम्बस, दिस पॉइंट नंबर बी की बात कर रहे हैं, क्यों रोम्बस होगा भाई, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, नो सर नहीं हो, रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं रोम्बस के। आपने अगर जाना है तो ये आप ये जानते हैं कि रोम्बस जो होता है उसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या ऐसा है, एडजेसेंट, सॉरी चलो हो गया कोई बात नहीं, ये अपोजिट साइड्स आर इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, एडजेसेंट साइड की बात कर लो तो ये नॉट इक्वल है, ये कुछ अलग है, ये लेंथ कुछ अलग है। ठीक है, तो ये केवल आपका पैरेललोग्राम है, क्या है, ओनली वन, दिस वन इज पैरेललोग्राम। ओके पैरेललोग्राम, बात समझ में आ गई, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए रिमेनिंग टू पॉइंट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आप एस थ्री के, इन स्क्वायर एबीसीडी गिवन बिसाइड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डीएसी, क्या फाइंड करना है, इन स्क्वायर एबीसीडी गिवन बिसाइड फाइंड द मेजर ऑफ डीएसी, कहां है डीएसी, यहाँ पे एंगल वन की बात कर रहा है, यस सर, आस्क किया है एंगल डीएसी, दैट मींस दे हैव आस्क एंगल वन, यानी इन्होंने मेजर्स ऑफ एंगल वन को आस्क किया गया है। तो ठीक है, एक ट्रायंगल है, कुछ बताया नहीं है, एक चीज और, स्क्वायर है तो बात ठीक है, हम 90 का एंगल होता है, हाँ हाँ
यहाँ पे और कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया. इन स्क्वायर एबीसीडी गिवन बिसाइड फाइंड द मेजर ऑफ डीएसी. हम कह सकते हैं ये एंगल वन यहाँ पे जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, ये टू इस टू के इक्वल होगा. ठीक है, yes. वन प्लस टू इज इक्वल टू 90 हो सकते हैं. अकेले वन क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, बिकॉज इफ एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे शो किया गया है. एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स डी मीन्स ए डी सी और सी डी ए बोलो, ये कितना दिया गया है 90 डिग्री. तो इस दोनों का सम भी कितना होगा, रिमेनिंग टू जो ट्राइंगल्स के रिमेनिंग टू एंगल्स होंगे यानी वन एंड टू, इनका भी सम कितना होगा 90 होगा. बिकॉज एक ऑलरेडी 90 हो गया तो बचा हुआ एंगल 90 ही होगा. ठीक है, तो ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन वन के बारे में डिफाइन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे वन एग्जैक्टली क्या होगा, 90 माइनस 2 कर सकते हैं, इतना कह सकते हैं इसके बारे में. जो एंगल 2 होगा उसमें से उसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो सकता है कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कुछ बताना चाहिए था. यानी एंगल 2 1 और 2 इक्वल बताना चाहिए था. ये हो सकता था कि ये 1 और 2 इक्वल है तो भी मान सकते थे. इनको हम डायरेक्टली किसी रूल से कह नहीं सकते इक्वल हैं, बिकॉज हमारा रूल ये कहता है इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बिकॉज ये पैरेलल हैं, होते ही हैं, और इनको ये जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. ये दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस. बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली एंगल वन मीन्स डी ए सी के बारे में अगर कुछ बताना चाह रहे हो तो यहाँ से कहना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा. आप बहुत राइट करना चाहते हो थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में तो इसको ऐसे राइट कर सकते हो, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, ये आप जानते हो ऑलरेडी ये दोनों, अगर इस एंगल की बात करो तो 90 माइनस दिस एंगल, ऐसा कर सकते हैं 90 माइनस एंगल डी सी ए, जबकि इसका कोई मीनिंग नहीं है. ओके, आपसे जो आज किया गया मेजर्स की बात कर रहा था तो इसमें इन स्क्वायर एबीसीडी गिवन बिसाइड ये 90 है तो क्या हुआ, 90 रहने दो उससे तो ऑलरेडी 90 रहता ही है. तो चीजें वो वहां पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, इस वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया. ठीक है, कुछ और इन्फॉर्म करना चाहिए था उनको अबाउट द क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. इन्होंने कहा इन रोम्बस एबीसीडी क्या, ठीक है, इन रोम्बस एबीसीडी लाइक रोम्बस एबीसीडी है जिसमें कह रहा है एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री फाइन, एंगल ए सी बी फाइन, सेकंड में नंबर में इन्होंने आज किया एंगल ए डी ई, एंड थर्ड नंबर पॉइंट पे आस किया गया है एंगल ए बी सी. सारे एंगल बताने हैं ना हमें, कौन कौन से एंगल, चलो मार्क कर लेते हैं. यही दिया गया है क्या, कौन सा है, रोम्बस कहीं फिगर नहीं दिया है क्या? नो सर, ओनली फॉर्म, हम फॉर्म कर लेते हैं. इन्होंने कहा एक रोम्बस है यहाँ पे डायगोनल की भी बात की गई है. डायगोनल क्या होगा यहाँ पे, लेट से ये डायगोनल है जिसमें एंगल डी ए सी की बात किया गया कितना 45 डिग्री, तभी तो फॉर्म होगा डी ए सी. अगर डायगोनल ना ड्रॉ करते तो क्या डी ए सी शो कर पाते, नहीं. डी ए सी शो करने के लिए हमें इस डायगोनल का हेल्प लेना होगा, डायगोनल को ड्रॉ करना होगा. दिस वन इज मेजर्स टू 45 डिग्री. ओके, Now we have to find angle ACB. हमें क्या क्या find करना है, चलो mark कर लेते हैं इसको. हमें find करना है angle ACB. कहाँ है ACB? ये. This one is, this angle is known as ACB. Okay?
नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें किसकी, कहाँ गया, यहाँ पे ए डी ई की बात कर लेते हैं, एंगल ए डी, इसको भी मार कर लेते हैं, ए डी ई कहाँ पे, थोड़ा सा मुझ प्रिंट है, मुझे यहाँ भी लग रहा है, ए डी ई है ही नहीं, एक ई कहाँ से आ गया भाई, ए डी सी हो, वो सी होना चाहिए था ना, ए डी सी होना चाहिए था, जबकि ए डी ई की बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं बोला भी नहीं गया कि किसी भी साइड को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है ना, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं, तो कुछ बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, वो ए डी ई होगा, ठीक है, सॉरी ए डी सी होगा, नॉट ई होगा, ये सी होना चाहिए था, तो ठीक है, ए डी सी इज इक्वल टू ये मार्क कर दीजिए नेक्स्ट, चलिए जल्दी, थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है ना, और फिर क्या करना है, एबीसी, एबीसी मतलब ये सर, इस एंगल को और इस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को छोड़कर बाकी सारे एंगल्स हमें डिफाइन करने हैं, फाइंड करने हैं, चलो एक दिया गया ना, तो इसी की हेल्प से हम करते हैं सारे, आप जानते हो ये जो रोम्बस होता है, इसके ये भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है ना, और रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे डायगोनल्स, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट करता है तो इसके इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, कहने का मतलब एंगल, अगर इस एंगल की बात करो, एंगल ए सी बी की बात कर लें, सबसे पहले इसी को मार कर, जो हमने ग्रीन कलर मार्क किया इसी को निकाल लेते हैं, ए सी बी इज इक्वल टू होगा, जानते हो किसके, एंगल डी ए सी के, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, डी ए सी, अगर कोई पूछता है क्यों ऐसा इक्वल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बात सुनना है, यस इंटीरियर एंगल, अब चलो भाई ए सी बी हमें निकालना ही था, तो ए सी बी की बात कर ले तो कितना हो जाएगा, ए सी बी इज इक्वल टू डी ए सी के मेजर्स के इक्वल होगा, व्हिच इज इक्वल टू 45 डिग्री, कितने के इक्वल है, 45 डिग्री, इट मींस ए सी बी, यस ए सी बी इज आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री, नाउ बात कर लेते हैं, अब एंगल ये भी 45 हो गया, ठीक है सर, अभी तो चीजें हमें निकालनी है, बी और डी, बी और डी, BAC, यहां से हम जानते हैं इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, कहने का मतलब जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, तो ये कितना होगा, हाँ एक चीज और है, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही है, साथ साथ आप जानते हो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है ना, तो यहाँ से एक रिलेशन yes, होता yeah. है, अपोजिट एंगल्स होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 यानी सप्लीमेंट्री होते हैं, तो क्या इसका यूज कर सकते हैं, नो यूज करेंगे तो कोई बेनिफिट निकलेगा नहीं, कैसे, आप मान लो यहाँ पे x है तो ये भी x होगा, सर ये एंगल भी नहीं डिफाइन कर पा yes, रहे, तो ऐसे में ये भी डिफाइन करना चाह रहा, तो लेट से ये y है, ये भी y ही होगा अपोजिट एंगल, यहाँ भी इन रोम्बस ए बी सी डी डी ए सी 45 डिग्री, कुछ लग रहा है यहाँ भी कुछ गलत ही है, क्योंकि इस एंगल के थ्रू हमने ये बता दिया, ठीक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अब ये एंगल अगर बताना है तो हम ये तो जानते नहीं है कि रोम्बस में यहाँ 90 या कौन सा एंगल फॉर्म होता है, ये तो हम बता नहीं सकते हैं यहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट एंगल फॉर्म हो रहा होगा, yes, sir. है ना, yes, sir. कहने का मतलब ये है, यहां से चीजें क्लियर कर पाना थोड़ा सा भी देख लेते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन हो पाएगा, बिकॉज़ इसमें भी कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी जो देना चाहिए था वो ना देकर कुछ और दे दिए हैं, उसके आधार पर सारे एंगल्स को डिफाइन करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है, चलिए देख लेते हैं, बहुत करोगे तो आप करोगे सर 45 प्लस एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 180 कर दोगे, यानी एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑफ करोगे तो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 180 माइनस 45 मींस 135,
ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई 135 डिग्री. बट व्हाट विल यू से अबाउट एक्स इंडिविजुअली एंड वाई इंडिविजुअली? आप इंडिविजुअली एक्स और वाई के बारे में कुछ बता नहीं सकते हो, ठीक है? यस सर. फिर बातें यहाँ फंस गई. यहाँ भी बेटा कुछ दिक्कत है. दिक्कत मतलब जो देना चाहिए था वो ना देकर कुछ और. चलिए ठीक है, हो जाता है. क्योंकि आप देख लो, आपको मैं क्लियर कर दूं कहीं डाउट ना रह जाए. यहाँ पे 45 है सर, ये एंगल हो सकता है इक्वल 45 का, ठीक है? इस एंगल के बारे में क्या कहोगे? इसका जो जस्ट डाउनवर्ड एंगल है उसके बारे में क्या कहोगे? तो इसके बारे में कुछ कहना पॉसिबल नहीं है कि ये 45 है तो ये कितना होगा. कोई जरूरी नहीं कि ये 45 है तो ये भी 45 हो या 35 हो या दोनों मिलाकर सप्लीमेंट्री. ऐसा भी नहीं रूल होता कि अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री. अगर ऐसा कोई रूल होता तो हो जाता कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स का सम ऑफ अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो हम कहते हैं एक्स सर डिफाइन कर लेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा रूल भी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी. बात समझ आ रही है? Yes, sir. रूल कहता है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ये होता है. तो ये भी ड्रॉप कीजिए, इसको मैं चेक कर लूंगा. बट यहाँ पे चेक करने की कोई चांसेस है नहीं. जो था आपके सामने एंगल्स की ही प्रॉपर्टी क्लियर करना है, और कोई प्रॉपर्टी होल्ड भी नहीं कर सकते. लेट से यहाँ पे हम दूसरा डायगोनल ड्रॉ भी करते हैं तो कोई मीनिंग नहीं निकलता उसका. ये सर परपेंडिकुलर होते हैं. हो सकता था, हो सकता था, मैंने ध्यान नहीं दिया. चलिए इसको कर सकते हैं ना. अगर हम दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा. फिर ये 90 का होता है, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45, ठीक है? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Same yes, sir. यहां 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी क्लियर है. और ये 45 है, 45 है 90. अभी आपने ये 90 है, तभी x और y फंस ही जाता बेटा. x plus y is equal to 90 आ रहा, लेकिन यहां से नहीं, नहीं x नहीं, x plus y by 2 या y का कोई टर्म्स पोर्शन लिया जाएगा तब 90 आएगा, ठीक है? तो चीजें अभी नहीं डिफाइन कर सकते थे. मैंने जो कहा वो गलत नहीं कहा था, ठीक है? बात समझ में आ रही है? आप लोग ट्राई कर लेना, देख लेना. मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन था वो कंप्लीट नहीं था. जितना दिया गया था उसके आधार पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते. इनकम्प्लीट इन्फॉर्म किया गया उसमें, ठीक है? इसमें बता रहे हैं कि इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ डी ओ इज इक्वल टू 5x प्लस 1 AO. इसके आपका रेक्टेंगल दिया गया है, इसमें इनके डायगोनल्स गिवन है जिनकी लेंथ है 5x प्लस 1 एंड 4x प्लस, नहीं नहीं लेंथ डी ओ एंड ए ओ की दी गई है. यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, यहाँ इन्होंने डिनोट नहीं किया है लेकिन आप लोग करेंगे, ठीक है? ये लेंथ आप ए ओ और डी ओ दिया गया है, तो जितना ए ओ होगा उतना ही ओ सी होगा. कहने का मतलब 4x प्लस 19 अगर ये है तो सर ये भी 4x प्लस 19 होगा. बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. लेकिन हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. कुछ नहीं बेटा, आप जानते हो ये जो इनके डायगोनल्स होते हैं ए सी इज इक्वल टू होगा बी डी. इनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं. तो आप करोगे सर ए सी अगर पूरा इस पूरे के बराबर है तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल नहीं होगा, यानी हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी. अब बात कर लो हाफ ऑफ ए सी क्या दिया गया, जो एक्स के टर्म में दिया गया, ये 5x plus 1 ये half of AC हो गया, यानी AC का आधा, सॉरी AC का आधा ये दिया गया था 4x plus 19. चलो कोई बात नहीं, मान लो उसी को. और ये half of BD है, half of AC की बात करो तो 4x plus 19 है. बात समझ में आ रही है? बस इसी को सॉल्व करना है.
एक्सिस में से आ जाएगा भाई yes, 20, x is equal to 18, not 20. सॉल्व करने पे x is equal to कितना आएगा? Yes, 18. कैसे हुआ समझ में आ रहा है? हम जानते हैं इसके जो डायगोनल्स होते हैं क्या करते yes, हैं इंटरसेक करते हैं. अच्छा ठीक है, तो सुनो मेरी बात. थोड़ा सा आज क्लास ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन अब दूसरी क्लास भी है, तो जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो भी डाउट्स रह गए हैं, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे. ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज, सॉरी ये आपका चैप्टर है, इसी के इस एक्सरसाइज के थ्रू एंड हो जाएगा, है ना? क्यों, ये एक्सरसाइज करते ही आपका ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके 2 क्वेश्चंस रिमेंस रह गए हैं, आप लोग ट्राई कर लेना. ट्राई क्या करना है इसमें बता दूं, इफ 2 डायगोनल्स आर फ्रॉम बस PRN कनेक्टेड सकता है इच अदर एट पॉइंट ओ, प्रूव दैट PQ2, ये प्रूव करना है. क्या क्या प्रूव करना है? OP2, चलो मैं इसको कर दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना. इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, ट्राइंगल्स जो बनेंगे कहां रहे? ये पाइथागोरस थ्योरम का इसमें यूज करना है, कैसे करेंगे बताता हूं. यहां पे जो एंगल 90 का होता है ये आपका क्या बोला गया इसमें PQRS, इस तरह से PQRS बोलोगे और इसको O मान लेना. ठीक है, अब आप इन्हीं ट्रायंगल्स में पाइथागोरस, जो 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं इनमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, जो आप लाना चाह रहे हो, जो इनके रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी. ठीक है, यस सर. कहने का मतलब बेटा जी, आज क्लास थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि लेट हुआ है, सो अभी और भी क्लासेस है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर करना पड़ेगा हमें. जो भी डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है, तो आज के लिए एक क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय सर. गुड बाय सर. बाय एवरीवन.